हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी और आज हम लोग जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग पोस्ट वेडिंग फोटोशूट करने। और हमारा जो प्री वेडिंग फोटोशूट था वो बस एक ही दिन का था, एक ही आउटफिट में, ज़्यादा एफर्ट हमने नहीं डाला था। बट जो हमारे कैमरा पर्सन के साथ अभी जो पैकेज में था उसमें पोस्ट वेडिंग फोटोशूट भी था, तो वही कराने आज हम लोग जा रहे हैं। एंड प्री वेडिंग से ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग फील हो रहा है अभी पोस्ट वेडिंग में। तो कॉल टाइम था अराउंड 7 AM, बट वी आर लेट ऑब्वियसली मेरी वजह से, क्योंकि मुझे हेयर, मेकअप, साड़ी सब कुछ खुद ही करना पड़ा, तो थोड़ा सा डिले हो गया। बट तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो लोकेशन है वो है मुर्शिदाबाद, मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे इधर, एक टूरिस्ट प्लेस है रादर। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है, सो लेट्स सी कितनी देर तक हम लोग शूट कर पाते हैं। अभी लगभग 8-8:30 बजे आई थिंक हमारा शूट स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर लेट। बस चाय पीकर थोड़ा बहुत नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं एंड ही इज़ ऑल्सो विद मी। हमने ट्विनिंग की है, ये मेरा बनारसी साड़ी है, ये मरून कलर का है एंड उसका एक कुर्ता है जो भी सेम कलर में ही है। तो लेट्स सी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शूट। और जो भी कैमरा पर्सन की डिटेल्स एंड ऑल है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी लव्ड देयर वर्क। उन्होंने हमारा जो रिसेप्शन है एंड इनके साइड के जितने भी सेरेमोनीज वगैरह है सब कुछ कैप्चर किया है एंड मुझे तो उनका जो काम है वो काफ़ी पसंद आया। और हम लोग पहले भी एक बार गए थे मुर्शिदाबाद, जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पोस्ट वेडिंग फ़ोटो शूट करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो हम जाके परमिशन ले आए। मतलब ऐसा कोई परमिशन की इशू नहीं है, बस एक अलग सा पोस्ट वेडिंग का टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो वो कितना क्या सब मैं वीडियो में आगे बताती जाऊँगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी जल्दी से वेन्यू पहुँचते हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट वेन्यू है वो है काठगोला बागान, जहाँ पे एग्जे छिलो राजा, विच इज़ एन अमेजिंग मूवी, अवार्ड विनिंग मूवी, वो मूवी शूट हुई है वहाँ पे। वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, दैट्स वाई हमने वो पहला सिलेक्ट किया है, क्योंकि अभी आज है सैटरडे, तो छुट्टी के दिन जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ही ज़्यादा टूरिस्ट क्राउड भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि हम काठगोला बागान में ही शूट कर लेंगे। सो वी हैव रीच द वेन्यू। अभी बहुत बिल्कुल पूरा खाली खाली सा है सुबह के टाइम, इट्स 8:10। तो हमने टिकट करवा लिया है, 2000 रुपीज़ टिकट है पोस्ट वेडिंग शूट का, और पर पर्सन जितना होगा उतना 40 रुपीज़ पर पर्सन, सुबह से लेकर शाम के 6 PM तक पूरे दिन का जो उनका टिकट है पोस्ट वेडिंग शूट का वो है 2000 रुपीज़। तो वो टिकट हमने अभी करवा लिया है। दीज आर द टू कैमरा पर्सन्स जो हमारे आज के इस शूट को कैप्चर करेंगे एंड ड्रोन शूट भी है और काफ़ी ज़्यादा लेंसेज भी है उनके पास, तो वो अपने इक्विपमेंट्स को ठीक से पैक कर रहे थे अंदर ले जाने के लिए। Hey. How are you feeling? अभी बज रहे हैं 8:50 एंड यू ऑल कैन सी माय मेकअप इज़ मेल्टिंग। सो ये है सेकंड चेंज, आउटफिट नंबर 2। सो ये कितना क्यूटली मेरे नेकलेस का जो हुक है उसे लगाने की कोशिश कर रहा था एंड ही वाज स्ट्रगलिंग हार्ड, तो मुझे बहुत क्यूट लगा इसलिए मैंने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। फ़ोटोज़ खींचने में कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, ये रियल BTS है। ये गेंदे की लड़ी हम खरीद के लाए हैं, इससे हमारा वेडिंग डेट लिखेंगे एंड एक ड्रोन शॉट होगा, बस उसी एक शॉट के लिए इतना ज़्यादा मेहनत।
झाड़ू झाड़ू चाहे झाड़ू। ब्रिंग योर ओन बैग। ठीक है। बट एक्चुअली में हमने ये डेट गलत लिखा है। हमारा वेडिंग डेट एक्चुअली में है 26th of February और हमने यहाँ पर लिखा है 26th March। इसमें हमने शूट भी कर लिया था बट जब हम लोग शूट चेक कर रहे थे उस टाइम पता चला कि डेट गलत है तो रीशूट करना पड़ा फिर से, तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें, थोड़ा सा और डिले हो गया था बट नेवरदलेस इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। काटगोला बागान अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज प्रॉपर्टी है और इसमें ना बहुत सारे अलग अलग जगह है जहाँ पर आप डिफरेंट शूट्स कर सकते हैं। ये जो पैलेस है इसके अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है बट बालकनी शूट आप कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। सो हमारा जो कैमरा पर्सन था ना, उनका जो इक्विपमेंट्स था, मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्रोफेशनल शूट के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सोनी अल्फा कैमरा है एंड उसके साथ कुछ डिफरेंट लेंस है। सो ये हमारा डेट करेक्शन करते हुए हमने जब फुटेज चेक किया तब पता चला कि डेट गलत है, तो फिर से शूट करना था इसीलिए करेक्शन की एंड देन रीशूट किया। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी बट डेट तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए रीशूट तो बनता ही है। सो ये सेकेंड आउटफिट है, इसमें हमने ड्रोन शूट भी किया है और अभी लोकेशन थोड़ा चेंज हुआ है तो अभी इसी लोकेशन में और इस आउटफिट में शूट होगा, उसके बाद आउटफिट फिर से चेंज होगी। अभी बज रहे हैं 10:30, सो जल्दी जल्दी शूट हो रहा है बिकॉज़ वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वो था डेट का, जो हमने डेट लिखा था वो गलती से इसने गलती से मार्च लिख दिया, बट हमारा 26th February को है तो वो रीशूट करना पड़ा इसीलिए, और वो भी ड्रोन में रीशूट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बाद में जब हमने फॉर्चुनेटली हमने चेक किया था फुटेज तो इसकी वजह से पता चला कि वो थर्ड है, तो इसे ही पता चला कि उसने थर्ड लिखा है 3rd March, लेकिन 26th February हमारा वेडिंग डेट है। गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम बोटिंग कर रहे हैं साथ में, वो भी शूट के लिए। क्या एक्सपीरियंस। इस प्रॉपर्टी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी है, उनमें से एक है ये बोटिंग जिसका हमने पूरा फायदा उठाया। इस झील में ना बहुत सारे मछली भी है, तो वो दिखे दो मछली और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था शूट करने में। उसके बाद आउटफिट चेंज करके हम आ गए थे पैलेस के अंदर जहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है, और पैलेस के अंदर जाने के लिए अलग से आपको टिकट करवाना पड़ेगा, लेकिन बालकनी शूट ओनली अलाउड है तो इसीलिए हम सिर्फ इसी बालकनी पर हमने शूट किया एंड देन हम वापस आ गए। फाइनली काटगोला बागान शूट कंप्लीट। अभी हमारा जो सेकंड लोकेशन है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो काटगोला बागान से बस 5 मिनट की दूरी पर है, तो उसी लोकेशन पे बाकी शूट होगी। सो दिस इज आवर लास्ट एंड फाइनल लोकेशन। ये एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। अभी यहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शूटिंग स्पॉट है। तो यहाँ पे ये जो रेलवे लाइन है यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है, अभी यहाँ पे ड्रोन शूट भी है
सो थोड़ा बहुत हमने टिफ़िन ब्रेक लिया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसीलिए, और अभी बज रहे हैं 12:30, तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, बट बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। सो आप लोग चेकआउट कीजिए ये जगह, एंड हमने आउटफिट भी वहीं पर वेन्यू पर ही चेंज कर लिया था आउटफिट। सो ये है हमारे यहाँ का गंगा रिवर, मतलब भागीरथी जो रिवर है वो गंगा रिवर है, और ये रहा, ये वाला है रेलवे लाइन जो कि इनकम्प्लीट है, और ये पाथवे है, और ये ब्रिज है, ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी अच्छा ब्रिज है, एंड ये लोकेशन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। मेरा सिंगल, इसका सिंगल कुछ शॉट बाकी है इस आउटफिट में। तो हम लोग इस ब्रिज का जो एंड है वो पूरा जो नदी है ये भागीरथी रिवर, इसे क्रॉस करके हम पूरा एंड देखकर फिर से वापस आएंगे। सो इसीलिए हम दोनों जा रहे हैं अभी। हाउ आर यू फीलिंग? सो दिस इज़ दी अदर साइड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बट ये अभी इनकम्प्लीट है। कम्प्लीट हो जाने पर हम लोग शूट तो नहीं कर सकते, अभी इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये शूट हमने यहीं पर किया। ये चढ़ाई चढ़ के हम गए थे ब्रिज तक। आई डोंट नो हाउ मच द कैमरा कैन जस्टिफाई दिस, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऊँची थी, एंड लुक एट द ब्रिज। सो गाइज, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 1 PM। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड डे, और काफ़ी प्रोडक्टिव डे भी था, क्योंकि शूट हमारा काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन बिल्कुल टैनिंग हो चुकी है फेस मेरा भी, और स्पेशली इसका भी फेस बिल्कुल टैनिंग हो चुकी है। तो सब शूट वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद आइसक्रीम हमने खाया, और फिर सारे पेमेंट्स वगैरह क्लियर करके अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ये साइड में अभी यहाँ पे ये हमारा वाला गंगा है, जो कि हमारे घर के साइड में है, वो गंगा रिवर है। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो अगर आप कैमरा पर्सन के डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए। वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अप टू कोलकाता, तो अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देयर वर्क इज़ अमेजिंग। तो चार्जेस की बात है, वो है कि काठगोला बागान जो है वो मुर्शिदाबाद में है, तो वहाँ पर 4-व्हीलर पार्किंग में 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एंड 2-व्हीलर पार्किंग में 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो ये है पार्किंग चार्जेस, और दूसरा जो पोस्ट वेडिंग शूट के लिए अलग से टिकट वो लोग देते हैं वो है 2000 रुपीज़ का। फिर अंदर जाके बोटिंग सीन्स वगैरह, बोटिंग्स आप कर सकते हैं, बोटिंग में कुछ अलग होता है, वो 50 रुपीज़ होता है शायद, या 50 रुपीज़ पर पर्सन ऐसा करके टिकट आपको खरीदना पड़ेगा। फिर अंदर जाके जो मेन पैलेस है उसके अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे आप 2000 रुपीज़ का आपने टिकट खरीदा है या नहीं, बट अंदर आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते। वो हमने भी नहीं किया है, बस हमने बालकनी शूट कर लिया है, बालकनी शूट इज़ अलाउड, उसका भी अलग से टिकट आपको काटना पड़ेगा। उसका टिकट आई थिंक 25 या 30 रुपीज़ कुछ ऐसा है, हमने नहीं काटा था, हमने बोला था कि बस बालकनी में कुछ 2-3 फोटोज़ हमें शूट करनी है, तो उन्होंने परमिशन दे दिया था। बस हार्डली हमें 5 मिनट लगे थे, और ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है। अंदर एक जू भी है, तो आप उस जू को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जू में कुछ काम नहीं था इसलिए हम जू नहीं गए, उसका शायद अलग से टिकट होगा, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा एक यहाँ पे नौशीपुर राजबाड़ी है, तो जो नौशीपुर राजबाड़ी है वहाँ पे जो चार्जेस है वो है 2000 से, मतलब 1500 से 2000 रुपीस के अंदर, आप जितना चाहते हैं आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हम भी वहाँ पे गए थे परमिशन लेने, तो उन लोगों का जो चार्जेस था वो नेगोशिएबल है, एंड ओपन होता है 6 AM to 7 AM में ओपन हो जाता है, और जब वो क्लोज होगा वो 5:30 मैक्स टू मैक्स उसके अंदर क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम पूरा आप शूट कर सकते हैं वहाँ पे 1500 से 2000 रुपीस के अंदर, टिकट आपको काटना पड़ेगा। और जो नौशीपुर ब्रिज है जहाँ पे हमने लास्ट शूटिंग की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड वहाँ का जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज रिवर के ऊपर है तो काफ़ी चिलिंग वेदर है, एंड हम लोग आराम से शूट कर पाए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था तो अच्छा था। हजारद्वारी पैलेस भी है वहाँ पे, वहाँ पे हम नहीं गए बिकॉज दैट इज़ टू मेन स्ट्रीम और काफी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, हमारा जो पोस्ट वेडिंग शूट का जो वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो, वो वीडियो भी बहुत ही जल्द मैं पोस्ट करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और फोटोज के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। सो बाय।